नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSEB TCHSM में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट डाल दिया गया है एवं कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2018 के मॉडल प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन नोटिफिकेशनों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, अतः इस लिंक के द्वारा आप इस वेबसाइट पर पहुंचकर अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर। जैसे हम लॉगिन होंगे, हमें इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का जो इंटरफेस वो दिखाई देगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट फ्रॉम कोर्ट ऑर्डर जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018 कनिष्ठ अनुदेशक प्रेस नोट फॉर एग्जाम मैकेनिकल डीजल इंजन 60 जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018 के क्रम में सारे हैं जो नोट डाले गए हैं। इसी के साथ में यहाँ जो आंसर की और जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो भी डाल दिए गए हैं। तो यहाँ मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में दिखाया गया है और इसी के साथ में नीचे आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ हम आंसर की के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग जो ट्रेड हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट बाय कोर्ट ऑर्डर। जैसे हमने PDF फाइल डाउनलोड की, 21 जनवरी 2020 संशोधित परीक्षा परिणाम कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018। तो उच्च न्यायालय के द्वारा जो सीधी भर्ती परीक्षा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2018 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो रोल नंबर हैं, पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सफल घोषित नवीन अभ्यर्थियों के रोल नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं और इसी के साथ में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी दिखाई गई है। जनरल कैटेगरी में जनरल सामान्य के लिए 235.8178 मार्क्स, फीमेल के लिए 228.596, विडो के लिए 12.5768, डिवोसी के लिए 65.6751, एससी कैंडिडेट्स के होने की स्थिति में जनरल 208.4197, फीमेल 184.963, एसटी कैंडिडेट्स होने की स्थिति में एससी में डीओसी का है 20.0082, एसटी कैंडिडेट होने की स्थिति में जनरल में 210.8145, फीमेल 186.3771 और ओबीसी कैंडिडेट्स होने की स्थिति में जनरल में 232.4599, फीमेल 221.4097 और डीओसी के लिए 8.608 यानी 8 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया है। अब बात करेंगे हम एमबीसी कैटेगरी के बारे में। एमबीसी में जनरल कैटेगरी से 219.7497, फीमेल 166.4733 और सहरिया जनजाति के लिए जनरल में आने पर 52.6686 एंड फीमेल 18.5743। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार रहा है, बी और एलवी के लिए 115.4191, एचआई के लिए माइनस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, -2.314, एलडी और सीपी के लिए 213.4267, एक्स सर्विसमैन के लिए 7.3146 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 184.4835। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के जो रोल नंबर हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थी के अतिरिक्त ये सफल अभ्यर्थी जो नए इंक्लूड किए गए हैं,
RSMSS की द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा में। तो यहाँ कट ऑफ निर्धारित की गई है जर्नल की। जर्नल कैटेगरी होने पर सामान्य के लिए 191.4589, फीमेल 153.3915, डिवोसी के लिए 64.84, 1467, एससी कैंडिडेट्स के लिए सामान्य के लिए 173.9432, फीमेल कैंडिडेट्स 116.8026। और इसी के साथ में एसटी कैंडिडेट्स जनरल होने पर 160.7091, फीमेल 112.60642, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन BOBLV के लिए 69.55, LD और CP के लिए 148.1628, HI के लिए 101.1943, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 15.6486 जो मार्क्स है वो कट ऑफ में निर्धारित किए गए हैं। और इसी के साथ में गैर अनुसूचित क्षेत्र में पूर्व में सफल घोषित किंतु संशोधन के उपरांत असफल घोषित अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये विद्यार्थी पहले सेलेक्ट थे लेकिन अब ये बाहर हो चुके हैं, तो इनके रोल नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र में पूर्व में सफल थे और बाद में ये असफल हो चुके हैं, तो इनके भी रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। नॉट अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का जिन्होंने गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी आवेदन किया है उन्हें वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षा परिणाम में भी शामिल किया गया है, इसलिए उन्हें रोल नंबर दोनों श्रेणियों में अंकित हो सकते हैं। इस परिवर्तन के अलावा पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम 22/7/2019 में अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। उक्त परीक्षा दिनांक को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपनी संशोधित अंक तालिका SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 3/3/2019 के प्रश्न पत्र हेतु जारी अंतिम उत्तर कुंजी के मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 17 व 55 की उत्तर कुंजी में परिवर्तन हुआ है, जिनमें प्रश्न संख्या 17 को डिलीट एवं प्रश्न संख्या 55 को उत्तर विकल्प ए है। इसके अतिरिक्त अंतिम उत्तर कुंजी में अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट को हमने विस्तार पूर्वक देखा। अब बात करेंगे हम जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018 अनुदेशक ग्रेड सेकंड के बारे में। तो जैसे हम PDF फाइल डाउनलोड होंगे हमें इस तरह का जो इंटरफेस वो दिखाई देगा। बोर्ड द्वारा 23/12/2019 को आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन सीधी भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा कोड 60 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। इसके लिए जो निर्धारित जो शुल्क किया है, अगर कोई आपत्ति हो किसी प्रश्न में, तो ये 23 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2020 रात्रि 12 बजे तक अपनी जो आपत्ति है वो वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो शुल्क है वो भी निर्धारित किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का जो शुल्क है वो ₹100 निर्धारित किया गया है। और कैसे भरेंगे हम इसको, इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देश शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे व ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न पत्र ₹100 की दर से देश शुल्क का भुगतान करें। तो इस तरह से 23 जनवरी 2020 से लेकर 25 जनवरी 2020 तक आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं प्रश्नों के संदर्भ में। तो ये हमने प्रेस नोट देखा और अब हम बात करेंगे, ये अलग अलग प्रेस नोट जारी किए गए हैं सारे के सारे यहाँ, ये जितने भी हैं ये सब प्रेस नोट है अलग अलग ट्रेड्स के। अब बात करेंगे हम प्रश्न पत्र के बारे में। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड होगी। ये इस तरह से कनिष्ठ अनुदेशक के जो प्रश्न पत्र है वो दिखाए गए हैं, तो आप इन्हें आसानी से डाउनलोड करके और जो आंसर की जारी की गई है उससे मिलान कर सकते हैं। इसकी PDF की जो फाइल है उसका लिंक भी इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में बात कर लेंगे हम आंसर की के बारे में। तो यहां से आंसर की है वो स्टार्ट हो रही है, तो एक आंसर की को हम देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर की है, तो ये डाउनलोड करने पर इस तरह से जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो जाएगी। परीक्षा का नाम, कोड कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन सीधी भर्ती 2018, और परीक्षा का जो दिनांक है वो 23/12/2019 है। तो इस तरह से उत्तर कुंजी को भी हम कितने प्रश्न डिलीट हुए, कितने प्रश्न हैं वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो इन उत्तर कुंजी जो जारी की गई है वो मॉडल प्रश्नों के आधार पर जारी की गई है। तो सबसे पहले विद्यार्थी मॉडल प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करें, उसके बाद में उत्तर कुंजी को डाउनलोड करें, और उसके बाद में जो पेपर उसने दिया है उस पेपर को देखते हुए उत्तर की जो जांच है वो करें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC VHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।